तो भारत और इंग्लैंड के बीच बेहतरीन मुकाबला शुरू हो चुका है। पहला विकेट भी, दूसरा विकेट भी गिर गया लगातार एक ही ओवर में। टीम इंडिया का स्कोर अब 12 रन एक ओवर के अंदर दो विकेट के नुकसान पर, 13 रन दो विकेट के नुकसान पर। और ये लगातार तीसरा झटका टीम इंडिया का, तीन गेंदों पर लगातार तीन झटके लगे हैं। तो स्मृति मंदाना एक रन बनाया, दो गेंदों का सामना किया, विकेट देता हुआ बड़ा विकेट। इस बार हवा में खिला है शॉट बेहतरीन, चार रन मिलेंगे यहाँ। पहला चौका इस ओवर का, तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। लेकिन ये बेहद बढ़िया शॉट, चार रन मिलेंगे। आपने खेला है क्या, फील्डर पीछे भाग रहा है, दो रन मिल सकते हैं क्या, तीन, तीन नहीं दो रन मिलेंगे आसानी से, गैप नहीं खेला था। ओवर की समाप्ति हुई दो ओवर के बाद, 23 रन पांच विकेट के नुकसान पर। एक और बढ़िया शॉट, जी हाँ, कवर क्षेत्र में, चार रन मिलेंगे। बेहतरीन शॉट, बल्ले पर अच्छे से आई, ऊपरी किनारा लगा, लेकिन पूरे रन मिलेंगे। ये बेहतरीन शॉट सामने की तरफ उठा के खेला चार रन के लिए। एक और बढ़िया शॉट, गैप में खेला, चार रन मिलेंगे। दोस्तों विकेट लगातार गिरती जा रही है, लेकिन रन की कमी नहीं होनी। बढ़िया शॉट, पॉइंट के खिलाड़ी के ऊपर से इस बार चार रन मिलेंगे। बेहतरीन शॉट, बेहतरीन बल्लेबाजी। लगातार वही कॉपी बुक शॉट, चार रन मिलेंगे। वही था गैप, कोई फील्डर मौजूद नहीं था, फायदा उठाया उसका। तो तीसरे ओवर की समाप्ति बाद टीम इंडिया का स्कोर, जी हाँ, 43 रन। बेहतरीन बल्लेबाजी, लेकिन 6 विकेट खो चुकी है टीम इंडिया। रन रेट बहुत अच्छी, ये बेहतरीन शॉट 6 रनों के लिए। जी हाँ, इस बार पल्ले पे आ गया, उसको करारा जवाब दिया 6 रनों के लिए।
और लगातार दूसरी गेंद पर बहुत बढ़िया कट, 6 रनों के लिए दूसरी गेंद पर 6 रन। जी हाँ, 55 रन, टीम इंडिया का स्कोर बढ़ता हुआ। तो विकेट गिरता हुआ लगा, नहीं बच पाएंगे रिव्यू से। एक रन मिलेगा, बहुत देर बाद सिंगल मिला है। तो ओवर की समाप्ति हुई, 56 रन। जी हाँ, 56 रन बन चुके हैं। इसी के साथ टीम इंडिया ऑल आउट हो चुकी है 56 रनों पर। तो लगातार बने रहेंगे दोस्तों, बेहतरीन मैच होने वाला है दोस्तों। तो ये कैच बहुत बढ़िया किया। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। 56 रन बनाए टीम इंडिया ने और जीत के लिए 57 रनों का लक्ष्य रखा है इंग्लैंड के लिए।